कर रहा हूं आशय, स्ट्रॉन्ग रीजन, तगड़ा कारण चाहिए, तगड़ा कारण। अगर स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है तो हम जल्दी हार जाए, हौसला टूट जाए, हम बिखर जाएंगे, बरोबर। और कहा जाता है संघर्ष में आदमी अकेला होता है, अकेला भी होता है, और संघर्ष में कुछ लोग टूट जाते हैं। यस, संघर्ष में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। यस, और जो लोग टूट जाते हैं, सुनो, जो लोग टूट जाते हैं वो बिखर जाते हैं। यस, जो बिखर जाते हैं उनको लोग कुचल के आगे निकलते हैं। यस, राइट, मैं बोल रहा हूँ संघर्ष में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। यस, कुछ टूट जाते हैं, कुछ निखर जाते हैं, जो नहीं निखरते वो बिखरते हैं। यस, जो बिखर जाते हैं उनको लोग कुचल के आगे निकलते हैं। यस, और उनका कोई वजूद नहीं होता। यस, और ज्यादातर लोग बिखरे हुए मिलते हैं। यस, ज्यादातर लोग बिखरे हुए मिलते हैं, और कुछ लोगों को बिखरने का शौक है। यस, बिखरने का शौक है। जब हम उनसे मिलते हैं ना तो बोलते सर मैं गरीब हूं, रोते रहते, दुनिया भर की समस्याएं गिनते रहते। yes. सर मैं कर लेता था, मेरी घर की परिस्थिति ठीक नहीं, मेरी बीवी साथ नहीं देती, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, रिलेटिव हंसते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा बॉस मेरे को निकलने नहीं देता, घर से निकलने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, लोग सुनते नहीं है, रोते रहते। और रोने के पीछे का कारण क्या बताइए? ज्यादातर लोग सहानुभूति बिखरने के लेने के पीछे रहते। क्या मिलेगी मेरे को सहानुभूति? मैं गरीब हूं भैया, देखो मेरी कोई मदद कर दो। सहानुभूति लेने के पीछे मैं गरीब हूं, मैं कमजोर हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसा जो बोलते हैं ना हम लोग, आज गरीब बोलते हैं सहानुभूति। सहानुभूति, और सहानुभूति एक आध बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती, और रोते हुए लोगों को है ना लोग इग्नोर करते हैं। Yes. एक बार ठीक है, दो बार ठीक है, तीन बार ठीक है, अगर हरदम हम रोते ही नहीं है तो लेकिन है ना। Yes. सहानुभूति से पेट नहीं भरता, सहानुभूति से कोई आज तक कामयाब नहीं हुआ, सहानुभूति से थोड़ी देर के लिए दिल की तसल्ली होती है लेकिन उससे कुछ नहीं होता। जीवन में यदि सक्सेस होना है तो खुद को स्ट्रांग बनना पड़ेगा। Yes.